नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि भाई कंपनी के बारे में। अगर मान लीजिए आप जॉब खत्म करते हैं किसी कंपनी में, या इस्तीफा देते हैं या जॉब छोड़ते हैं, तो आपके कुछ लेबर के अधिकार होते हैं। जी हाँ, उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और उस दौरान कंपनी आपके साथ मनमाना व्यवहार करती है, आपको पासपोर्ट नहीं देना, आपकी तनख्वाह काट लेना, वीज़ा की लागत के पैसे वसूल करना, छुट्टी नहीं देना। जी हाँ, इस तरह के आपने देखे होंगे, पासपोर्ट कब्जे में कर लेना या रूम पर बिठा देना, हिसाब नहीं देना, इस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में क्रिएट होती है। तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हम दुबई का जो लेबर लॉ बना हुआ है 1980, उसके एक्ट के अंदर हम बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको भी इससे रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कंपनी में कई तरह की समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं, जी हाँ, लेकिन इसमें ध्यान रखना यह है कि कुछ गलती आप कर लेते हैं। आपका अग्रीमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो शॉर्ट अग्रीमेंट होता है, एक लॉन्ग अग्रीमेंट होता है, यानी सीमित अग्रीमेंट और असीमित अग्रीमेंट। जी हाँ, अब सीमित अग्रीमेंट का मतलब समझ लेते हैं पहले। सीमित का मतलब होता है कि कंपनी, जैसे आप कहीं पर भी जॉब के लिए जाते हैं तो आपका अग्रीमेंट होता है, एक साल काम करना है, दो साल करना है, ये आपका सीमित अग्रीमेंट हो गया। एक अग्रीमेंट ये हो गया भाई, ठीक है चलते रहो, जब तक चलना है चलते रहो अग्रीमेंट। उसमें ये होता है कि आपकी मर्जी है, जब तक काम करते रहो, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। जी हाँ, तो जैसे आपको आप ये अग्रीमेंट खत्म करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कंपनी आपको पासपोर्ट नहीं देती है, वो अटका लेती है। पासपोर्ट सबसे बड़ी समस्या, विदेश में इंटरनेशनल आईडी पासपोर्ट है, पासपोर्ट के बेटे आपके आप हाथ काट लेते हैं, या फिर कंपनी को लगता है कि ये बंदा समय से पहले जा रहा है या अग्रीमेंट पूरा नहीं कर रहा है। सैलरी काटने की बड़ी प्रॉब्लम आती है, तनख्वाह नहीं देंगे, वीजा की लागत के पैसे दे के जाओ, छुट्टियां नहीं देना, इस तरह से कुछ प्रोसेस होता है, आपको सबको पता है। आप अगर इस्तीफा देना चाहते हैं, आपके प्रोसेस के अनुसार टाइम पूरा है, तो ईमेल कर दो, कोई झंझट नहीं है, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है इजाजत की, महाराज मुझे छुट्टी दे दो, ईमेल करो और आपका काम फ्री है ईमेल के माध्यम से, ठीक है, वो इस्तीफा आपका मान्य हो गया, नो डाउट, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अग्रीमेंट की बात करें तो शॉर्ट अग्रीमेंट होता है, तो भाई इस्तीफा का तरीका अलग होता है, अग्रीमेंट पूरा करना होता है। जी हाँ, अगर हाँ शॉर्ट अग्रीमेंट में अगर आपका पहले इस्तीफा लेना चाहते हो तो कंपनी की सहमति से आप इस्तीफा ले सकते हैं। इसके लिए कंपनी बोलेगी, आप नोटिस देना होता है आपको कंपनी में, नोटिस जैसे आज दिया है, तो नोटिस देने के इस्तीफा देने के बाद में आप नोटिस दोगे, तो नोटिस देने के 1 महीने से 3 महीने के बीच प्रोसेस होता है, कंपनी आपको इस्तीफा मंजूर कर लेती है। जी हाँ, तो उस दौरान आपको 1 से 3 महीने के दौरान आपको काम करना पड़ेगा कंपनी में। ये नहीं कि आज आपने मुंह से बोल दिया जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, ये मेरा लेटर है, तो वो जब 1 से 3 महीने के बीच में उसका लीगल प्रोसेस होगा तब तक आपको काम करना पड़ेगा। हाँ जी, उसके बदले कंपनी आपको तनख्वाह देगी, नो डाउट। आपको आप जैसे इस्तीफा दे रहे हैं, समय से पहले आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो आपको कंपनी टिकट की जिम्मेदारी नहीं होती है भाई। आपका अग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होता है कि आप 1 साल से 2 साल से छुट्टी जाओगे तो कंपनी आपको रिटर्न टिकट देगी, ये अनुच्छेद बताया तू 131 में प्रावधान किया गया है। समय से पहले इस्तीफा दे रहे हैं, कंपनी को बोलते हैं टिकट दो वरना मैं ये कर दूंगा, वो नहीं चलेगा जी, वो इसमें आपको टिकट अपनी जेब से भर के आना ही पड़ेगा। जी हाँ, आप अपनी गलती से आ रहे हैं, कर्मचारी अपनी गलती से आता है तो टिकट नहीं देती। हाँ, अपना आप अग्रीमेंट पूरा करके आ रहे हैं, सीमित अग्रीमेंट उसको पूरा कर दिया तो आपको कंपनी अग्रीमेंट के हिसाब से टिकट नहीं देती है, तो भी उसको मांग सकते हैं। आप अपनी गलती से आ रहे हैं तो टिकट आपको नहीं मिलने वाली, इस बात की ध्यान रखें। वीज़ा फीस की बात करें, कई कंपनियां एक्टिंग कर लेती हैं जी, समय से पहले जा रहे हो या फिर आप अग्रीमेंट तोड़ रहे हो, आप अपना वीज़ा का पैसा लेंगे। वीज़ा रद्द करवाना होता है पासपोर्ट में, आप सबको पता है कैंसिल वीज़ा करवाना बोलता है ना, कंपनी ने कैंसिल कर दिया उसी को बोलते हैं। वो वीज़ा कैंसिल करने की फीस आपको नहीं देनी है, वो कंपनी का प्रोसेस है, कंपनी देगी। जी हाँ, वीज़ा फीस आपका नहीं लगेगी, कंपनी की जिम्मेदारी होती है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप किसी कंपनी में 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जितने भी साल काम किया है तो आपको उनसे अनुभव प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए। जी हाँ, ये अनुच्छेद 125 में ये बातें बताई गई हैं, पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की इस कंपनी में। अनुभव प्रमाण पत्र समझते हैं क्या होता है, कि आप इंडिया में आ रहे हैं, कहीं पर इंटरव्यू होती है तो कंपनी का सर्टिफिकेट होता है, देखा होगा ना आपने, कंपनी का सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र होता है जिससे आप कहीं पर भी दोबारा इंटरव्यू देते तो दिखा देते, तो उससे तनख्वाह आपकी सैलरी भी ज़्यादा लग जाती है और कंपनी वाले भी आपको तुरंत कैच कर लेते हैं, क्योंकि आपको अनुभव होता है उस कंपनी में, पहले से प्रमाण पत्र होता है। भाई आपके पास कॉलेज की डिग्री है, डिग्री दिखाओगे तभी तो मानेंगे ना, ऐसे बोलते जी मैं तो डिग्री होल्डर हूँ, डिग्री आपके पास है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो आपको हर बार जब भी आप इस्तीफा लेके आते हैं कंपनी से, छोड़ के आते हैं, तो आपको वहाँ से जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको वर्क इन सर्टिफिकेट वो आप जरूर ले लें, उसके बिना आप अधूरे रहोगे, समझ गए बात को। आपका बोनस की बात करें तो बोनस आपके सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा अग्रीमेंट था, कितने टाइम पूरा किया है, समय से पहले आप निकल के आ रहे हैं तो आपको पूरा बोनस नहीं दिया जाएगा, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। जी हाँ,
वीजा आपका रद्द कंपनी करवाएगी, पासपोर्ट कंपनी नहीं रख सकती, इस बात का ध्यान रखें। जब आप इस्तीफा देते हैं या फिर इस्तीफा नहीं भी देते हैं तो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, लेकिन 99% कंपनियां पासपोर्ट रख लेती हैं गारंटी के तौर पे, जबकि ये गलत है। कंपनी पासपोर्ट नहीं रख सकती, उनको कोई अधिकार नहीं, उनकी आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन भाई शिकायत करोगे तो वही बात, आपको डर लगेगा कंपनी जॉब से निकाल देगी, ऐसा होता है ना। जबकि पासपोर्ट रखने का कंपनी का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल इलीगल है, कानूनी तौर से ये गलत है, अपराध है, कंपनी अपराध करती है अपने पास पासपोर्ट रख के आप लोगों का। तो आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी मैंने दी तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय